इस वीडियो में हम समझेंगे कि सुजोग का मतलब क्या होता है और सुजोग क्या होता है। तो देखिए, सुजोग यानी ये दो शब्द से मिलकर बना है, सु और जोग। ये देखिए एक हिंदी का शब्द नहीं है, ये कोरियन शब्द है जिसकी खोज की थी पाक जे वू ने। तो सुजोग यानी सु का मतलब होता है हाथ और जोग का मतलब होता है पैर। तो हाथों और पैरों से जो ट्रीटमेंट होता है उसको बोलते हैं सुजोग थेरेपी। सुजोग यानी हाथ और पैर, थेरेपी मतलब कि ट्रीटमेंट या उपचार। तो हाथ और पैर में जो ट्रीटमेंट होता है उसको बोलते हैं सुजोग थेरेपी। अब पाक जे वू ने बहुत सारी ऐसी सिमिलरिटीज़ देखी हमारे हाथों और पैरों में, हमारे बॉडी से रिलेटेड। उन्होंने पाया कि हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल हमारे हाथ और पैर जैसी दिखती है। तो उन्होंने एक स्लोगन दिया कि हमारी बॉडी कैसी, हमारे हाथों और पैर जैसे। तो उन्होंने कहा कि एज आवर बॉडी इज़ लाइक आवर हैंड्स एंड फीट। तो इसके बाद उन्होंने पाया, सिमिलैरिटीज़ में उन्होंने पाया कि हमारी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं हमारे बॉडी से, हमारे हाथों में और पैरों में। तो जैसे कि उन्होंने पाया कि ये जो यहाँ पे ज्वाइंट है इसको बोलते हैं एमसीपी ज्वाइंट, मेडिकल टर्म में बोलते हैं इसको एमसीपी ज्वाइंट। तो ये ज्वाइंट का जो फ्लेक्शन होता है ऐसे, तो ये मुड़ रहा है ऐसे, उसी तरह हमारा जो शरीर है वो आगे की तरफ से झुक सकता है। पीछे की तरफ झुकने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। उसके बाद उन्होंने पाया कि एक हमारा जो बॉडी का कंट्रोलर है वो क्या है, ब्रेन है। उसी तरह उन्होंने पाया कि हाथों में हाथ का कंट्रोलर कौन है, थंब है। उसी प्रकार उन्होंने पाया जो थर्ड सिमिलैरिटीज थी, उन्होंने पाया कि हाथ। तो उन्होंने बताया कि ये जो इंडेक्स फिंगर और जो लिटिल फिंगर है उनको हाथ मान लिया दोनों, और जो रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर जो है इसको बताया कि ये हमारे दो पैर हैं। तो इसी तरह दोनों हाथों में और दोनों पैरों में उन्होंने सिमिलैरिटीज़ पाई, और बहुत सारे ऑर्गन्स को पाया कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। हाथ अगर यहाँ पर है तो इसके पास यहाँ से जुड़ा है शोल्डर ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट ऐसे। तो उन्हें, और हाथ में भी स्पेसिफिक अगर हम बात करेंगे तो हाथों में दो हाथ इसको बताया, तो ये हाथ और ये हाथ। तो उसके बाद बताया कि यहाँ पर कि ये जो ज्वाइंट है ये, इसको बताइए शोल्डर, इसमें तीन ज्वाइंट है, एक ज्वाइंट, दो ज्वाइंट, तीन ज्वाइंट। उसी तरह शोल्डर, हाथ में भी तीन ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट और ये रिस्ट ज्वाइंट। तो इस ऐसे करके उनने सिमिलैरिटीज़ पाई हमारे हाथों और पैरों में। तो एक स्लोगन दिया कि एज आवर बॉडी इज लाइक आवर हैंड्स एंड फीट। उसके बाद एक सादृश्यता का सिद्धांत दिया उन्होंने, लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस जिसको बोलते हैं। ये प्रिंसिपल शो करता है लॉ ऑफ विजिबिलिटी और रूल्स को, यानी जैसा है वैसा ही है। मतलब कि जैसे न्यू बॉर्न बेबी एक बर्थ होता है तो हम कहते हैं कि इसकी नाक चाचा पे गई है, पापा पे गई है, तो वो चाचा या पापा नहीं हो गया, इट मीन्स कि वो उसके जैसा दिखता है। तो उन्होंने पाया कि ऐसी सिमिलैरिटीज़ बॉडी में हैं और इस सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर वक्त ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके हम वहाँ पे उपचार करें या ट्रीटमेंट करें। तो सुजोग का मतलब देखिए, क्योंकि हमारा बॉडी तो एक ही है, इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि हमारा बॉडी एक ही है लेकिन हमारे पास दो हाथ और दो पैर हैं। तो सुजोग से हमको चार गुना ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो 4 टाइम्स बेटर और क्विकर रिजल्ट मिल रहा है हमें किससे, सुजोग थेरेपी से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस क्या होता है। थैंक यू।